ओके सेटअप सर वी आर लाइव जस्ट वेट फॉर फ्यू फ्यू मोर ओके चलिए तो आइए देवी और सज्जनों आज के इस सेशन में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्थ होंगे पहले तो मुझे आप चैट सेक्शन के अंदर ये कंफर्म करवा दीजिए कि मेरी आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी आप तक प्रॉपरली और क्लियरली पहुंच पा रही है या नहीं मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं आप सब लोग जरा मुझे वन बाय वन बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच रही है या नहीं चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो पहले तो मैं 9:45 को हम स्टार्ट करने वाले थे मिनट लेट हुए हैं इसके लिए अगेन मैं क्षमा चाहता हूं चलिए तो देवी और सज्जनों आज के सेशन को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं और आ, पहले जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था इस इंटर्नशिप को लेकर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग की या एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर आप अगर काम करते हो तो एक कंप्लीट वर्क प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आपको प्रीवियसली uh, सेशन के अंदर बताया था जो लोगों ने नहीं देखा उन लोगों से एक बार गुजारिश है में मिल जाएगी, आप वहां से उनको देख सकते तो आप सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग और जैसे मैंने आपको आज के लिए कहा था कि आज हम जो है जी प्लस टू एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का स्टेड प्रो के अंदर मॉडलिंग देखेंगे लेकिन मॉडलिंग से पहले कुछ चीजें हमें चेक करनी होती है तो वो सब कुछ हम एक एक करके आज देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक और मेरी गुजारिश है डिमांड मेरी ज्यादा रहती है अलग रिक्वेस्ट ज्यादा रहती है मेरी एक और गुजारिश है कि इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अभी हमारे साथ जुड़ जाए इसके अंदर तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि इस लाइव इंटर्नशिप के अंदर हम दो लोग आपको इसके अंदर ट्रेन करेंगे पहला मैं हूं और दूसरे हमारे ट्रेनर प्रशांत सर हैं तो प्रशांत सर का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रशांत सर एजुकेशन अगर देखा जाए तो उनके पास इन्होंने मास्टर्स किया है स्ट्रक्चर के अंदर और पिछले सात आठ सालों से ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं कंसल्टेंसी में काम करते हैं काफ़ी स्ट्रक्चर पर काम कर चुके हैं तो बहुत बेहतरीन इनका एक एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर और इनका समझाने का तरीका भी बहुत खूब है आप जब इस सेशन को आज अटेंड करोगे तो आप इससे जान पाओगे कि सर का सेशन लेने का या समझाने का तरीका कैसा है तो बिना किसी देरी के कि प्रशांत सर को आ, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आइए और इस सेशन को अपने अंदाज में आगे बढ़ाइए प्लीज जी 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 धन्यवाद सर धन्यवाद ओके सो वेलकम एवरी वन एंड वेरी गुड इवनिंग माई नेम इज प्रशांत एंड हम लोग आज से स्टेड की कुछ बेसिक क्लासेस को स्टार्ट करेंगे ओके okay. तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक फ्लोर प्लान लिया हुआ है जो कि हमारा एक करंट प्रोजेक्ट ही है और यहाँ पर एक फ्लोर प्लान हमको आर्किटेक्ट की तरफ से आया हुआ है उसके अंदर हमने कुछ पोजीशंस इस पर फाइनलाइज की है और इसके आगे हम लोग जो है स्टैड में कैसे इसकी मॉडलिंग करते हैं सो तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ हम इसमें हाउ वी कैन प्रोसीड विथ मॉडलिंग

We are waiting for your chats. Clear आ रही है बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है, है बहुत बढ़िया। और देखिए जैसे कि अभी आपको सर सर बता रहे थे कि uh, वो आपको उसकी मॉडलिंग करके दिखाएगी तो uh, सर प्लीज अब ये अब सेशन आप हैंडल कर सकते हो प्लीज सर ओके 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 थैंक यू सो अभी यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोर प्लान जो था वो फ्लोर प्लान को हम पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि हम उसमें आगे इजिली बढ़ सके सो so, सबसे पहले यहां पर अगर अपन देखें तो ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ गार्डन एरिया है और ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट प्लान भी आप इसको बोल सकते हो क्योंकि इसमें आपको एडिशनल कोई हैचिंग नहीं दिख रही है जिसके अंदर वॉल का और आप बोल सकते हैं नीचे गार्डन एरिया पार्किंग एरिया इसके लिए अलग से कोई एडिशनल फिलहाल हैचिंग नहीं है यहाँ पर ठीक है क्योंकि उसमें कुछ डिलीट किया हुआ है कॉलम प्लेस किए हुए हैं कुछ फाइनलाइज किया है बीम के हिसाब से हमने सोच के बनाया है स्लैब सही से रेस्ट कर पाएगी कि नहीं ढेर सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट वाइज इसमें सोच समझ के इसमें भी कॉलम लगाए हुए हैं ठीक है थीके? इसके अलावा भी ऐसे कॉलम लेआउट हो सकता है फाइनलाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें भी कुछ चीज़ें रहती है वो सब हम देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर फिलहाल हम आ, फ्लोर प्लान समझते हैं तो यहाँ पर गार्डन एरिया हो गया हमारा पार्किंग हो गया यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है वो दी हुई है लगभग एटीन यहाँ पे जो है ट्रेड दिए हुए हैं और राइजर जो है वो सेवन इंच का है ये यह यहाँ पर बेडरूम है यहाँ पे वॉचमैन रूम है यहाँ पर बैक साइड में जो है टॉयलेट है सिमिलर वे में अगर अपन यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ पर आते हैं तो यहां पर भी एक वरानदा एरिया हो गया यहां पर से एक ड्राइंग रूम लिविंग एरिया किचन एंड बेडरूम ओके सो इन कुछ इस तरीके से यहाँ पर है सिमिलर वे में ये यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक नया स्टेयर केस है जो कि है ये मिड uh, वाला मिड स्टेयर केस से हम लोग यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं लिविंग एरिया में लिविंग एरिया से हमारे पास पीछे दो बेडरूम हो गए और आगे एक बेडरूम हो गया फिर यहाँ से और ऊपर जाते हैं हम तो यहाँ पर एक लॉबी एरिया हो गया और ये हमारा हो गया सिनेमा रूम ठीक है या फिर थिएटर रूम भी हम इसको बोल देते हैं ठीक है और साथ ही में इसके साथ यहाँ पर आपके पास एक लिफ्ट एरिया भी है जिसका साइज है पे फीट फीट बाय इंचेस। ओके, तो यहाँ पर ढेर सारी चीजें दी हुई है, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया निकाल रखा है एंड देट इज फॉर पूजा ठीक है जो कि कौन से फ्लोर पे है सेकंड फ्लोर पे तो सेकंड फ्लोर पे हमारे पास पूजा एरिया भी है और यहाँ पर कुछ बैक साइड और फ्रंट साइड में आपके पास बालकोनीज भी है ओके okay. सो so, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास है और अब हम इसकी जो है मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे स्टैट प्रो के अंदर तो अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे कुछ साइजेस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको या तो फिट इंच में भी चल सकता हूँ या फिर मैं इसको मीटर में भी कर सकता हूँ एज़ पर नीड मुझे जैसी चाहिए मैं वैसी यहाँ पे कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर ऑटो कैट के अंदर मल्टीपल कमांड को एक साथ जो है यूज़ करना चाहा कि यहाँ पे प्राइमरी यूनिट मैंने वही रहने दी ऑल्टरनेट यूनिट में मैंने इसको डेसीमल पे ऑन कर दिया और हम इसको जो है अब डायमेंशन लेके देखते हैं डिस्टेंस क्या क्या हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर करीब करीब आपका एट फिट थ्री इंच का डिस्टेंस है और ये जो है आपका फोर्टीन फिट इलेवन इंच मी रिकंसिडर दिस क्शन काफी हमारे प्रीवियस बैच के लोग आ रखे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ देस वेरी कुछ लोग हैं गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सुमन देवनाथ भी है वाह बहुत बढ़िया कल भी सर मैंने कहा था इनको की ऐसा लगता है मानो ये हमारा प्रीवियस बैच ही चल रहा है ये सारे के सारे लोग बिल्कुल वो तो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितने भी मेंबर्स हैं हमारे सब प्रीवियस बैच में भी इन उन्होंने अच्छा खासा जो है वर्क किया था और काफी हेल्थी डिस्कशन भी होते थे हमारे जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो मैंने यहाँ पर अभी इसको डायमेंशन थोड़ा सा सेट किया ताकि मुझे ये जो डायमेंशन है वो मीटर में मिल जाए या एम mm में मिल जाए क्योंकि मैं वहां पर अगर ऐसा में करना चाहा मैंने तो मैं वैसे कर लूंगा फिट इंच में चाहा तो मैं वैसे कर लूंगा जैसी मेरी मर्जी ठीक है तो एज ऑफ नाउ ये स्टेट का एक बेसिक basic... इंटरफेस है जो हम एक मॉडल को स्टार्ट करने के लिए करते हैं तो मॉडल को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इज़ सिविल डे वन एंड इसका लोकेशन मैंने सेट किया हुआ है मेट्रिक यूनिट पे मैं जाना चाह रहा हूँ और इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया क्रिएट पे क्लिक करते से यहाँ पर एक सबसे खाली ब्लैंक विंडो जो है वो ओपन हो गया अब यहाँ पे मेरे को नोड डिफाइन करना पड़ेगा नोड का मतलब होता है हमारा कॉलम या जॉइंट भी बोल सकते हो तो अभी हमारे पास ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये हमारे सभी कॉलम्स है ये जो ब्लू कलर है ये सभी कॉलम्स है ये वाला जो ब्लू है ये भी कॉलम है ये ग्रीन कलर है और ये जो आ, हमारा ये लाइट ग्रीन कलर है ये सभी जो है आपके कॉलम्स है ठीक है तो मैं इन सभी को जो है एक एक करके वहां पर जो है डालने वाला हूँ ठीक है तो एज ऑफ़ नाउ सबसे पहले जो है मैं सेंटर टू सेंटर यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा हूँ अभी सेंटर टू सेंटर ही क्यों लेते हैं और स्टेड इस में इसका क्या वेरिएशन आते हैं वो भी चीज़ें हम की रहेगी आगे वो हम देखेंगे तो अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ले रहा हूँ ये फोर हमारा डिस्टेंस है तो मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया पहला तो ज़ीरो और यहाँ पर मैंने कर्सर चेंज करके नोट कर्सर ले लिया यहाँ पर ठीक है नोट कर सर कैसे लिया राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सर एंड नोट कर सर अभी जो मेरा जीरो 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 से नोट बना हुआ था इसको मैंने सेलेक्ट किया कीबोर्ड में कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पे क्लिक करके जो भी मेरा यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट था वो मैंने यहाँ से लिख दिया है ये है हमारा कितना फोर पॉइंट एंड फाइव ओके ठीक है सो ये हो गया हमारा पहला नोट पहले नोट के बाद हम नेक्स्ट नोट पे जाएंगे मैंने यहाँ से ज्योमेट्री के पास वाला व्यू व्यू के अंदर सेकेंड जो है टॉप व्यू है तो टॉप व्यू पे क्लिक किया है और यहाँ पे सेकेंड नोड को क्लिक करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पे आगे बढ़ गया मैं सेम वे में मैंने जैसे यहाँ पे डिस्टेंस लिखा था वैसे के वैसे मैं यहाँ पर भी डिस्टेंस लिखूंगा ये हो गया मेरा थ्री पॉइंट फोर ओके यहाँ पर आपका एक तीन नोड आ गए हैं टोटल टोटल तीन नोड है ये और अभी हम ये दो नोड भी करेंगे और

तो इसके रीजन्स होते हैं टेक्निकल रीजन्स होते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें उन सभी को कंसिडर करते हुए उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये कॉलम की पोजिशंस को फाइनलाइज करना पड़ता है तो ये हम आने वाली इंटर्नशिप के अंदर देखेंगे ठीक है लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम पोजीशन जो है वो आप ही फाइनल करते हो ये मैंने आपको रिसेंट जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था उसके अंदर भी बताया था बखूबी कि आपका काम क्या होता है तो हम ही खुद तय करते हैं कि कॉलम पोजीशंस क्या क्या होंगे अच्छा ये कॉलम पोजीशन तो हो गया अभी आपको सर स्टेट प्रो के अंदर दिखा रहे थे और सर ने आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताया उसके अंदर आपको सर ने नोड वगैरह बताया ज्योमेट्री व्यू बताया वगैरह वगैरह आपको हो सकता है कई लोग जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको ये सब ऊपर से बाउंस जा रहा है ठीक है हो सकता है लेकिन आप निश्चिंत हो जाइएगा ये अभी जो आपको दिखाया जा रहा है जो बताया जा रहा है ये केवल डेमो के तौर पर है मतलब आपको इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है हमारा सिखाने का तरीका क्या होगा हमारी भाषा क्या होगी हमारी जो प्रोसेस होती है वो कैसी रहेगी ये बस आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको क्लैरिटी देने की आपके माइंड में कि आपको इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हालांकि हम जब इंटर्नशिप के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे तो बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाकर और एक चीज को दस मरतबा आपसे पूछ पूछ कर सिखाया जाएगा इसलिए आप इसको निश्चिंत होकर देखिएगा आप ये कतई मत सोचिएगा कि इतनी स्पीड से जाएंगे तो क्या खाक सीखेगे हम लोग ठीक है है हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो लेकिन ये केवल आपको अभी डेमो के तौर पर बताने के लिए है इन डिटेल हम हमारी इंटर्नशिप के अंदर सीखेंगे ठीक है अब कुछ सवाल यहाँ पर है सर मैं थोड़ी एक दो कमेंट लेता हूँ बिल्कुल बिल्कुल न पहला सवाल यहाँ पर है कि सर हमारा थोड़ा टाइम टेबल का रिवीजन करवा दीजिए टाइम टेबल क्या होगा तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हमारा जो 28 तारीख के दिन 28 तारीख है आज तो आज हम मॉडलिंग करेंगे इसकी कंप्लीट कल हमारा एनालिसिस होगा और परसों डिजाइन होगा और फिर इसके बाद जो हमारा थर्टी फर्स्ट का होगा उसके अंदर मैं आपको इसकी इंटर्नशिप का पूरा डिटेल्ड जो कंटेंट रहने वाला है टॉपिक वाइज वो सारा डिस्कस करूंगा आपसे उसके बाद फिर उसके अंदर जो बाकी डिटेल्स रहेगी उसका सर्टिफिकेशन डिटेल और उसका टाइमिंग वगैरह और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और फीस का रजिस्टर करने का तरीका ये आपको इकतीस तारीख के दिन बताया जाएगा ठीक है तो ये एक मोटा माटी मैंने शेड्यूल के बारे में बात कर दी अब एक सवाल और है कि सर ये सॉफ्टवेयर हमें कैसे मिलेगा तो सॉफ्टवेयर का मिलना आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देना है ना वो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी आपको बस क्या करना है आप अगर इसमें स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप इंटर्नशिप में ज्वाइन करना चाहते हो बस आपके पास थोड़ा सा आरसीसी का बेसिक मैनुअल कैलकुलेशन होना चाहिए रिवीजन भी हम करवा देंगे आपको उसकी दिक्कत नहीं है ठीक है और आपके पास एक अच्छा सा वेल परफॉर्मिंग पीसी होना चाहिए पीसी के अंदर अब लोग पूछ रहे हैं कि सर पीसी कैसा होना चाहिए हमारा तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था पीसी आपका कैसा होना चाहिए आई फाई आठ जीबी रैम और पांच सौ बारह एस एस डी वगैरह चल जाएगा ठीक है और विंडोज टेन या इलेवन इट मैटर तो इस तरह का एक अच्छा अच्छा सा मॉडरेट सा एक पीसी आपके पास हो जाए इतना दो चीज आपके पास अगर है और तीसरे आप खुद ठीक है अगर अभी तीन चीजें मौजूद हैं तो फिर आपको इसके अलावा कुछ और लाने की जरूरत नहीं है बाकी सारी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं बाकी सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल से लेकर सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे बस इतना आपको चाहिए कि ये तीन चीजें आपके पास हो ओके तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको हाँ टाइमिंग क्या रहेगा हमारे सेशन का तो साढ़े से ग्यारह बजे का टाइमिंग हमारा रहेगा ये हमारा हर रोज का टाइमिंग रहेगा साढ़े से ग्यारह बजे का ठीक है चलिए और ये एक टेक्निकल ज्ञान करके है कह रहे कि सर एप्लीकेशन हमें मोबाइल के अंदर तो मोबाइल के अंदर एपीके की एप्लीकेशन नहीं आती स्टेड प्रो की ठीक है स्टेट ब्रो की एप्लीकेशन नहीं आती हाँ टेक्निकल सिविल की मोबाइल एप्लीकेशन जरूर है आप चाहो तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एमटेक नेसेसरी नहीं है अगर आप एक डिप्लोमा बीटेक या एमटेक होल्डर है तो भी आप आ सकते हो अगर आप अगर एक सिविल इंजीनियर हो और साइट सुपरवाइजिंग करते हो तो भी आप आ सकते हो सिविल इंजीनियर हो आर्किटेक्च में काम करते हो तो भी आप आ सकते हो बस आपके पास सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए ठीक है और अगर नहीं है तो भी आप आ सकते हो वैसे तो हमारे पास प्रीवियस बैच के अंदर इसकी मिसाइल हमने कायम कर ली है हमारे साथ एक धर्मेश चावड़ा करके थे प्रशांत सर आपको याद है अगर तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो उन्होंने बहुत ही इलेवन साइंस किया था आप शायद जितने भी लोग देख रहे हैं हमें वो लोग नीट किया, किया और इस प्रीवियस बैच ने बैच के अंदर हमें हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया और आप यकीन मानिए मैं उनका प्रोजेक्ट जो डिटेल उनका कामकाज है वो भी मैं दिनों के अंदर हमारे यूट्यूब के ऊपर शेयर करूंगा आप देखिएगा वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर के तौर पर बहुत बेहतरीन डिजाइन कंप्लीट करके दे रहे हैं तो मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बा जुनून और नॉलेज चाहिए बस इतना ही है है ना डिग्री वगैरह जो भी है वो ठीक है वो चाहिए होता है लेकिन आपके पास इंपॉर्टेंट की है जज्बा जुनून और नॉलेज ठीक है है तो तो इतना आपके पास है, तो आप इस इंटर्नशिप में आ सकते हो इस इंटर्नशिप से आप बहुत कुछ सीख सकते हो तो ये हमारा इंटर्नशिप का बेसिक वो आपके छोटे मोटे सवाल थे कुछ मैंने आपको बता दिए अब प्रशांत सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज की आप आगे प्रोसीड कीजिए सॉरी फॉर कीजिएफुल सो यहाँ पर मैं एक और चीज ऑन करूंगा कि यहाँ पर जैसे डिप्लोमा बीई MTech. प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स जो आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं चाहे हुँ. आप साइट पे कर रहे हो चाहे आप डिजाइन फॉर्म में काम कर रहे हो तो सभी के लिए हम लोग जो है इक्वली वर्क स्टार्ट करते हैं कि जीरो से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जाते हैं देर इज नो सच इशू कि आप अगर किसी फील्ड में बस हाँ ये है कि आपका लर्निंग जो है वो होना चाहिए यू शुड नो कि एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में हम क्या यूज करते हैं फोर फाइव सिक्स कोड क्या होता है जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब आपको आना चाहिए बाकी हम उसकी भी इन डिटेल जो है डिस्कशन करते हैं ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है हमने फिलहाल तीन जो कॉलम्स थे इनके हमने मेंशन कर दिए अभी हम जो है टॉप के दो कॉलम के लिए हम मेंशन कर रहे हैं जिसको कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसको एक एक स्टेप वाइज इसको हम आगे और भी समझ सकते हैं देर इज़ नो प्रॉब्लम ठीक है no problem, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको यहाँ पर जो है डिस्टेंसेज मैंशन कर रहा हूँ यहाँ पर है इलेवन ठीक है तो यहां पर जो ये कॉलम है इससे हमारा डिस्टेंस है ठीक है और यहां से भी आपका जो डिस्टेंस है मैं सेंटर टू सेंटर ही क्यों ले रहा हूं ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन क्वेश्चन वही कह रहा था क्वेश्चन तो भी बहुत सारे इनके माइंड में हो गए हाँ वही वही और स्वाभाविक भी है लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा सीखना चाहते हैं तो आपको आगे इंटर्नशिप में बहुत कुछ सिखाया जाएगा और सब कुछ सिखाया जाएगा ठीक है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं अभी सिर्फ जो नोट है इसको उठा उठा के मैं वहां पर लिख रहा हूँ देर इज नो थिंग कि मैं सिर्फ जो प्लान है प्लान के अंदर जो कॉलम्स है मैं सिर्फ उसकी पोजीशंस जो है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं दैट इज द ओनली थिंग राजीव अंजन जी कह रहे हैं सर फेस रिवील कीजिए फेस रिवील करने की आपको मुंह दिखाई देनी पड़ेगी मुंह दिखाई की रसम <laughs> राजीव जी वी8i <laughs> uh, नहीं हम कनेक्ट वर्जन ही इस्तेमाल करने वाले स्टैट प्रो का ये यस yes, वी8i जो है yes, नहीं रहेगा रामचंद्र जी कनेक्ट वर्जन यस 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 फैज अहमद करें कि हम ग्रिड लाइन से भी कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं वो भी एक तरीका होता है बहुत सारे तरीके हैं हम इसमें जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो हम देखेंगे आगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर जितने भी नोड्स थे वो यहाँ पे बना लिए हैं जो जो भी मुझे चाहिए और अभी मैं इसका व्यू मैंने यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू चेंज किया है इसका मतलब थ्री व्यू पे मैंने ले लिया टू व्यू से और मैं इसको जो है ज्वाइंट करना चाह रहा हूँ तो ज्वाइंट के लिए कमांड है मेरे पास बीम्स डायरेक्टली आपकी ऐसी ऐसी पूरी की पूरी बीम्स बन गई है जैसी भी मुझे चाहिए और कुछ बीम्स जो नहीं बनी है वो भी हम अभी बनाएंगे उसके पहले मैं ये जितने भी नोड है इसके लिए फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ फाउंडेशन की डेप्थ मुझे देना पड़ेगी तो डेप्थ मैंने यहाँ पे इस ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का यूज किया है आपने आई होप कि ये अरे कमांड से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इसको अगर आप ऑटोकेट से वाकिफ है तो देर इज नॉट कंपल्शन ऑफ एनी कि आपको ऑटोकेट आता है या नहीं आता है अगर आपको नहीं भी आता है ऑटोकेट तो देर इज नो प्रॉब्लम ठीक है तो एज ऑफ नाउ मैं इसको टू मीटर जो है डाउन ले रहा हूँ फाउंडेशन डेप्थ को ठीक है तो मैंने ये ले लिया यहाँ से कुछ बीम्स है अब मैं यहाँ पर बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एक बीम क्रिएट कर दी है और अगर अब मुझे जो जो भी बीम्स चाहिए वो मैं यहाँ से बीम एडॉन कर सकता हूं एज ऑफ नाउ मैं इसी इन ही बीम्स को जो है अपर एरिया में रेप्लीकेट कर रहा हूं या कॉपी कर रहा हूं ठीक है तो मैंने ये सारी की सारी बीम्स थी इसको ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड तक मुझे इसको कॉपी करना है ठीक है तो ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड तो अगेन आई एम यूजिंग ट्रांसलेशनल रिपीट ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड तीन बार मुझे इसको कॉपी करना है विद द डिस्टेंस ऑफ थ्री पॉइंट टू मीटर एंड यूजिंग लिंक स्टेप ठीक है हम समझेंगे इन सभी का एक एक करके पर्पज़ भी कि इनका यूज़ क्या है ठीक है तो हमने यहाँ पे एक स्टोरी खड़ी करी है अब इसमें हमें जो छोटे मोटे जो भी अगर मॉडिफिकेशंस लगते हैं तो वो हम कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से अभी एक टॉप स्टोरी जो थी ग्राउंड फ्लोर हो गया फर्स्ट फ्लोर हो गया सेकेंड फ्लोर हो गया ग्राउंड हो गया फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया बट इसके ऊपर देखो यहां पर भी आपके कुछ रूम्स हैं और यहाँ पे आपके कॉलम भी लगे हुए हैं ठीक है इतना इतना एरिया इसका क्लोज है ये बचा हुआ सिनेमा एरिया है तो ये हमको दिखाना पड़ेगा स्टेड के अंदर भी ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं इसको मैंने कर दिया सिलेक्टेड या फिर आइसोलेट ओके तो मैंने इसके मतलब ये जो सेकेंड फ्लोर था इसकी रूफ है ये वाली सेकेंड फ्लोर की रूफ अपने को यही दिख रही है ठीक है अब मुझे जो है एरिया इतना इतना उठाना है यहाँ पर मेरा एक डमी uh, कॉलम भी आ जाएगा और इतने कॉलम्स मेरे आ जाएंगे मतलब टोटल छ कॉलम जो है मेरे ग्राउंड से लेके और सॉरी सेकेंड फ्लोर की रूफ से लेके और टेरेस की रूफ तक आ जाएंगे ठीक है तो मैंने ये जो जितने भी छह कॉलम्स थे उन उनको सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ नोड ठीक है मैंने नोड कर्सर से इसके छह कॉलम जो थे मेरे जो जो मुझे ऊपर तक कॉपी करवाना है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए तरीके इसमें और भी होते हैं हम इसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं अभी हमने ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड का यूज करके इनका जो है कॉपी करवा रहे हैं हम ठीक है तो इन सभी को मैंने 3.2 मीटर वाई डायरेक्शन में वाई मतलब हमारी फिलहाल जो है वर्टिकल एक्सेस है तो मैंने उसी डायरेक्शन में इसको कॉपी करवा दिया आप चाहते तो बीम से भी करवा सकते हो जैसी आपकी मर्जी वैसे आप इसको कर लो एक एक करके बीम कनेक्ट कर दो मतलब बहुत ही इजी इंटरफेस है इसका अगर अपन दूसरे सॉफ्टवेयर से देखें तो इसका इंटरफेस काफी ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको जैसे वी एट भी था उसका पुराना वर्जन तो उसमें काफ़ी सारी कमांड जो है वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक थोड़ा सा लगता था बट अभी वाला जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है इसके अंदर सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाती है ठीक है तो इसी तरीके से जो है मैंने इसका व्यू चेंज कर दिया अभी इसको मैं साइड से देख रहा हूँ राइट साइड लेफ्ट साइड बॉटम से टॉप से जहां से मर्जी में वैसे देख सकता हूँ ठीक है तो मैंने अभी फिलहाल इसको राइट व्यू किया और इसमें हम जो है सपोर्ट भी लगा रहे हैं वी हैव टू डिफाइन कि ये फिक्स्ड सपोर्ट है या पिंड सपोर्ट है कौन कौन से सपोर्ट होते हैं सभी का यूज क्या क्या है वो भी हम देखेंगे आने वाले सेशंस में ठीक है तो एज ऑफ नाउ मैंने इसकी जो है एक बेसिक मॉडलिंग की है जहां पर मैंने इसमें आ, कुछ कुछ जो है एरियाज में सपोर्ट लगाए हैं कुछ कुछ areas में beam लगाई है कुछ कुछ areas में जो है कॉलम बीम और इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है ओवरऑल करके हमने ये मॉडलिंग की है ठीक है अब हम इसके जो नेक्स्ट सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम इसमें लोडिंग का पार्ट जो है और आगे जैसा सर ने बताया आपको एनालिसिस जो है वो हम इसमें

तो वो सॉफ्टवेयर आना, उसके सभी अगर आपको काम करने में इस्तेमाल होने वाले जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी पता नहीं है तो काम करते करते आप खुद कंफ्यूज हो गए कई मरतबा रुक रुक आप काम करोगे और फिर वो काम की क्वालिटी भी नहीं रहेगी और मजा भी नहीं आएगा तो हमारा फिलोसफी या प्रोसेस ऑफ

अभी देखिए कल हमारा एक सेशन होगा इसी को लेकर इसी प्रोजेक्ट पे हम कल आगे बढ़ेंगे और कल देखेंगे कि इसके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट लोड कैसे लगाए जाते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम लोड लगाएंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी असाइन करेंगे लोड डिफाइन करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे अभी ये मॉडल हुआ तो डायरेक्ट एनालिसिस नहीं होगा अभी इसके अंदर लोडिंग लगेगा कौन कौन से लोड है लाइव लोड कौन से है डेड लोड कौन से है लोड कॉम्बिनेशन कौन से है और उस, मैंने आपको बताया था कि ये लगाने के लिए कौन -कौन से नहीं किया है अभी देखिए उस सेशन को जाकर उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेक्निकल सिविल यूट्यूब चैनल की वीडियो सेक्शन मिल जाएगी आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग होती है वो कैसी होती है ठीक है तो आज हमने देखा कि किस तरह से मॉडलिंग की जाती है अभी मुझे चैट के अंदर जल्दी जल्दी पूरे जुनून के साथ पूरे एनर्जी के साथ बताइए कि ये मॉडलिंग का तरीका आपको कैसा लगा अब वो समझ आया नहीं आया वो अलग बात है अभी अभी क्योंकि हम समझाने नहीं आए आपको बस दिखाने हैं कि इस तरह से काम किया जाता है समझना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा है ना उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और वो हम हमारी इंटर्नशिप में आपको देंगे तो वो हम आगे देखेंगे लेकिन अभी ये देखकर आपको मजा आया नहीं आया चैट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताइए चलिए हरियम लेटेस्ट नो इन चैट सेक्शन कि आपने ये इंजॉय किया नहीं किया बहुत अच्छा प्रिंस यादव काफी पुराने मेंबर हैं हमारे प्रिंस यादव आइए स्वागत है आपका बहुत इजी है वो इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है इसके अलावा आप अगर किसी और सॉफ्टवेयर पर जाते हो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसके यूजर इंटरफेस को लेकर उसके फंक्शनिंग को लेकर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं उनके उनको लेकर लेकिन स्टेड प्रो हम इसीलिए को सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि भैया आप स्टेड प्रो पे ही काम करो शुरुआत में आप जब इससे यूज हो जाते हो देन यू विल गो अगेन प्रोसीड तो आपको पहले इससे शुरुआत करनी चाहिए एक प्रोसेस होती है लर्निंग की है ना उस प्रोसेस को कभी स्किप नहीं करना चाहिए तो यही बेस्ट इंटरफेस है बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है आप इसके इस, इस पर आप एक बार सीख लोगे तो फिर धीरे धीरे आगे आगे और भी आप इसमें एडवांस में आगे बढ़ते जाओगे ठीक है तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ठीक है इजी टू लर्न और देखिए ये ईजी टू लर्न तभी होता है जब सिखाने वाला उतना आसानी से आपको सिखा रहा है मतलब आपने देखा होगा अमूमन जितने भी ज्यादा लोग हैं अभी कॉलेज के अंदर जाइए आप पूछिए किसी स्टूडेंट से जहाँ पर ग्रुप में कि स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है तो वो कहेगा ये जबरदस्ती पढ़ रहे हैं हम लोग मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता बस पास होना है इसलिए पढ़ना है और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है बहुत टफ सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है है ना ये क्या है बेंडिंग और मेट्रेसिस वगैरह और ये क्या पता नहीं क्या क्या हो रहा है एनालिसिस वगैरह है ना शेयर फोर्स और ये बहुत लोग उसके अंदर थोड़े से बोर्ड बोर्ड जैसे रहते हैं कि हमें पसंद नहीं है सब्जेक्ट लेकिन यकीन मानिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर डिजाइन का बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है लेकिन ये तभी इंटरेस्टिंग बनता है जब उसको सिखाने वाला इंटरेस्टिंग वे में उसको सिखा रहा है आपने फिजिक्स को देखा होगा तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग कब है जब उसकी एप्लीकेशन के साथ उसको सिखाया जाए अगर उसको केवल किताबों के अंदर सिखाया जाए किताबी नॉलेज से सिखाया जाए तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो बहुत बोरिंग और बहुत टफ है लेकिन प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाए तो बहुत आसान हो जाता है तो उसी तरह से हम भी इसी पे बिलीव करते हैं कि आपको जब सिखाया जाए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ उस चीज को सिखाया जाए ताकि आपको वो इजी टू अंडरस्टैंड हो ओके चलिए तो क्लास बहुत अच्छी लगी बहुत बढ़िया और उम्मीद है कि आप सब लोग अभी हमारी से क्लियरिटी आएगी कि सिखाया कैसे जाता है और सीखना कैसे है और फिर हमारी जो थर्टी फर्स्ट की सेशन होगा ना हमारा फेब्रवरी सॉरी जनवरी थर्टी फर्स्ट का जो सेशन होगा उसके अंदर डिटेल्ड में आपसे चर्चा करके वार्तालाप करके इसी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ पूरा आपको

इसका फायदा उठाना चाहते हो आप पहले से अपने आ, अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हो प्री रजिस्ट्रेशन के तौर पर तो नीचे एक फॉर्म दिया है आप उसको सबमिट कर सकते हो ठीक है या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए वहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लिया जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन सही है ठीक है अगर आप चाहते हो तो वरना अगर आपको लगता है कि आपको अभी और डेमोस्टेशन देखना है कंटेंट देखना है तो वो फिर बढ़िया है आपकी मर्जी है आप देखिए आराम से और उसके बाद निर्णय लीजिए ठीक है चलिए अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है रात साढ़े नौ बजे का हमारा सेशन होता है देखिए रात साढ़े नौ बजे से ग्यारह बजे का जो टाइमिंग होता है वो हमने इसीलिए डिसाइड किया है ताकि आप चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे एक स्टूडेंट हो जो भी आप करते हो आप रात को तो फ्री रहते हो अक्सर ऐसा तो नहीं कि आप चौबीस घंटे काम करते हो ऐसा तो नहीं आप चौबीस घंटे बाहर ही रहते हो आप घर पे आते होगे है ना रात को आठ नौ बजे खाना खाते होगे उसके बाद आप सोते भी होगे तो सोने से पहले और खाने के बाद ये जो बीच का दरमियानी हिस्सा है ये जो पोर्शन है स्ट्रेच है वो स्ट्रेच हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इससे वाकिफ भी होगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है बता दीजिएगा चैट के अंदर इज दिस अ बेस्ट अंदरबल टाइम फॉर यू साढ़े नौ से ग्यारह सर आपसे पढ़ा हूं स्ट्रक्चरल सब तब से इंटरेस्टिंग हो गया है बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चर को अगर इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाए समझाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार और पर्सनली आई लाइक स्ट्रक्चर द मोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा कोई सब्जेक्ट है मेरा वो स्ट्रक्चर का है ठीक है कनेक्ट ट्रेडिशन में स्टील ज्यादा आता है ये कुछ ऐसे है जो मिथ के तौर पर हम कह सकते हैं ये डिपेंड करता है आप किस तरह से वहां पर पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर रहे हो आप इनपुट क्या दे रहे हो और सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहती है माश आप सॉफ्टवेयर जब कर रहे हो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इंजीनियरिंग कैलकुलेटर उसके अलावा कुछ नहीं है उस इंजीनियरिंग कैलकुलेटर के अंदर जो भी आप डेटा इनपुट करोगे उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा अब उसको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में होता है और इस इंटर्नशिप की खासियत यह भी है, एक है कि कंट्रोल करना भी हम सिखाते हैं कि भाई आपको मॉडिफाई कैसे करना है कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते और वो भी आई कोड की रोशनी में उसकी निगरानी में क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर हम हमारी मनमानी चला रहे हैं क्लाइंट ने बोल दिया हमें कि भाई हमें तो इतना ही सरिया चाहिए या इतना ही साइज चाहिए लेकिन क्या वो आई एस कोड अलाउ करता है हमें ये भी पर, ये भी हमें कंफर्म करना जरूरी होता है तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी चीजों की रोशनी में हम आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल करवाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है सभी चीजों का नॉलेज आपके पास आ जाता है ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया था पंचतंत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्या है वो पंचतंत्र जिसने नहीं देखा है प्रीवियस सेशन को देखिएगा आपको पता चलेगा ठीक है और जैसे मैं देख रहा हूँ काफी लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर प्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर और एक एक अच्छी बात बता दूं आपको मैं ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट नाइन्टी वन एडमिशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं प्री रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी प्री रजिस्ट्रेशन है नाइन्टी वन आ चुके हैं अभी जो लोग आ रहे हैं देखिए अभी कम से कम पंद्रह दस पंद्रह लोगों ने तो दे दिया यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है ठीक है व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है ठीक है नंबर यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता आपको लेकिन आ रहा है तो जो भी लोग इसमें बिल्कुल एक्साइटेड है और पहले से इंतजार कर रहे थे मुझे बिकॉज मुझे पता है कि इससे पहले जो बैच हमारा शुरू हुआ था उसके अंदर भी कुछ लोग बचे हुए थे जिनको जिनको हमें मना करना पड़ा था तो ऐसे अगर कोई लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो पहले अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा सबसे पहले मौका आप ही को दिया जाएगा ठीक है और ये तो ट्रेलर है बिल्कुल धर्मेश जी ने बिल्कुल सही कहा ये, ये सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ठीक है ये ट्रेलर है धर्मेश जी है और इसमें प्रिंस यादव है और यहाँ पर आ, आ, और भी मैं अगर नाम कहूं यहाँ पर तो सुमन देवनाथ है भरत जी है ये सारे वो लोग हैं जो हमारे प्रीवियस बैच में हमारे साथ जुड़े थे ठीक है फीस क्या रहेगी फीस हमारी रहेगी इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि 1500 से 2000 के बीच में कहीं फीस रहेगी इसमें आपको एक हिंट भी दे दिया है कि कितनी हो सकती है पंद्रह सौ से दो हजार के बीच में आपकी कई फीस रहेगी इसलिए फीस के तौर पर भी आप निश्चिंत हो जाएगा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हम आपके ऊपर नहीं डालना चाहते हमारा मुख्य इसका जो गोल है जो एम है हमारा वो यही है कि आप तक एक बेहतरीन नॉलेज पहुंचाया जाए एक रिक्वायर्ड नॉलेज जो इंडस्ट्री में जिसकी जरूरत है इस इंडस्ट्री में जब आप एज अ फ्रेशर बाहर जाते हो तो उससे पहले जो आपको आना चाहिए वो हम आप तक पहुंचाएं बस वही हमारी कोशिश है वही हमारा जो है ध्येय इसका लक्ष्य वही है हमारा इसलिए फीस बहुत ज्यादा हमने नहीं रखी है इसके अंदर हो सकता है आप कंटेंट को देखकर जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये पांच दस पंद्रह बीस हजार रुपए की ट्रेनिंग हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पंद्रह सो से दो हजार के बीच की ट्रेनिंग रहेगी और यकीन मानिए आप एट एंड ऑफ ट्रेनिंग ये कहोगे मुझसे सामने से कहोगे कि सर ये पैनी पैनी हमारी जो है मतलब जो कौड़ी कौड़ी होती है कौड़ी कौड़ी आपकी वसूल होगी इसके अंदर ठीक है ये मेरा दावा है आप लोगों से कमिटमेंट है मेरी प्रदुमन गुप्ता कह रहे सात सौ सत्रह सो पचास कन्फर्म तो नहीं करवाऊंगा मैं लेकिन तीर निशाने पे लगाया आपने ठीक है, जो भी होगा फाइनल फीस में आपको बता दूंगा इकतीस तारीख को ओके? बाकी बताइए जरा, तो और हमारा यूएसपी हमारी है कि वी मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग है ना आप हमारे अगर प्रीवियस बैच के यहाँ पे लोगों के रिव्यू भी देखोगे हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं तो वहां से आपको पता चलेगा अंदाजा लगेगा कि हमें थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए वो तरीका हमारा उसका लाना पड़ता है और वो तरीका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए यू 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 विल 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 दिस दिस इंटर्नशिप इंटर्नशिप एंड नेवर फॉरगेट ये आपकी यादगार इंटर्नशिप बना के छोड़ेगी हम लोग ठीक है तो बताइए फिर आर यू गाइज एक्साइटेड कितने दिन की रहेगी तो आप सिक्सटी डेज की ये अप्रोक्सीमेट तौर पर मान के चलिएगा सिक्सटी डेज अप्रोक्सीमेट तौर पर मान के चलिएगा

देखना ही पड़ेगा आपको इसके अलावा तो कोई और मोबाइल के अंदर भी आप इसकी ट्रेनिंग आ, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है स्टेट प्रो वगैरह ये मोबाइल के अंदर नहीं चल सकते हाँ ऑटोगेट के चलो ऑटोगेट वीवर वगैरह है वो तो चल सकता है लेकिन स्टेट प्रो का तो कोई है नहीं तो आपको उसके लिए डेस्कटॉप जरूरी है तो देखिए अगर हो सकता है तो आप अरेंज करके सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप आपको इसका आईएसओ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नाइन थाउजेंड टू थाउजेंड फिफ्टीन सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट हर जगह मान्य रहेगा प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर्स में नेशनली और इंटरनेशनली हर जगह मान्य रहेगा वैलिड रहेगा तो आप उसको निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हो यस डाउट विल बी ऑन ईच एंड एवरी डे हमारा तरीका होता है कि भाई हमने आपको पहले सिखाया एक घंटा ठीक है हर रोज उसके बाद आधे से पौना घंटा हमारा डाउट डिस्कशन डाउट डिस्कशन का जाता है कि भाई आपको हमने जो एक घंटा सिखाया वो क्लियर हुआ या नहीं इसके अंदर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो डाउट आपको लेकर नहीं जाना है बस यही हमारा फिलोसॉफिया सिखाने का तरीका हमारा यही है प्रोसेस यही है और मुझे लगता है कि हर डाउट आपका हर रोज क्लियर हो जाना चाहिए वो आपके बर्डन आपके ऊपर वरना बर्डन बन जाता है अगर वो बचा रहता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करते करते वो बहुत बर्डन बन जाता है तो इसलिए हम मानते हैं कि हर सेशन के बाद तुरंत डाउट सेशन लिया जाना चाहिए और हम वो फॉलो करते हैं ठीक है थीके? तो इसलिए आप वो भी चिंता मत कीजिएगा देखिए जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप ध्यान दीजिएगा जो कॉलेज के स्टूडेंट है और जो लोग हमसे ये इंटर्नशिप लेना चाहते हैं उनके लिए अवश्य हम ये डेज की इंटर्शिप लेगे ट्वेल्व वीक की आपकी इंटर्नशिप होगी आप चिंता मत कीजिएगा आपको हम आपका हम जो इंटर्नशिप का पीरियड है वो एक्सटेंड करवा देंगे लेकिन जो बाकी लोग रहेंगे जो कॉलेज वाले नहीं है अगर उनका हमारा कंटेंट पहले खत्म हो गया तो वहां पर उनको स्टॉप कर दिया जाएगा और आपको फिर आगे एक्सटेंड करवाया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा और प्रैक्टिस के तौर पर आपको जो रिपोर्ट वगैरह बनता है वीकली डेली जो भी रिपोर्ट बनता है वो हम सब

Uh, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है हम इस्तेमाल करते हैं हमें करने पड़ते हैं e और कि आप कौन सा प्रीफर करते हो लेकिन हमारा रिकमेंडेशन होता है fresher, newcomer, आपको पहले स्टैट प्रो पे जाना चाहिए उसके बाद e पे जाना चाहिए ठीक है अगर आप भी कॉलेज से हैं तो जो भी जितने भी कॉलेज के लोग यहां पर जुड़ रहे हैं वो हमें अलग से व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा सर हम कॉलेज से हैं तो हम आपकी एक अलग से लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर आपके लिए नाइन्टी डेज का इंटर्नशिप साथ साथ में अलग चलाएगी मतलब इसी बैच में रहोगे आप बैच में इसी रहोगे लेकिन आपका पीरियड पूरा नाइन्टी डेज का कर दिया जाएगा और आपके रिपोर्ट वीकली एक्टिविटी वगैरह वो सब हम अलग से दर्ज करेंगे आपको उसके अंदर वो दिया भी जाएगा क्योंकि आपको कॉलेज में रिक्वायरमेंट होती है मैंने पढ़ा है ये कॉलेज की सारी डिटेल मुझे पता है कि जो इंटर्नशिप का उनका क्राइटेरिया है जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है सो आई नो दैट इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ लाइव प्रोजेक्ट पे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा आप यहाँ पर लिखा है राजकुमार सर मेरे प्रोजेक्ट में गाइड गाइड मिलेगा मिलेगा बिल्कुल मिलेगा आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं गाइडेंस पूरा दिया जाएगा आपको ड्यूरिंग द द इंटर्नशिप इंटर्नशिप भी भी और आफ्टर भी। ये इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको गाइडेंस दिया जाएगा और आफ्टर इंटर्नशिप भी आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा ठीक है और ध्यान दीजिएगा इंटर्नशिप के अंदर जो भी लाइव सेशन रहेगा हमारे वो आपके पास आफ्टर द इंटर्नशिप लाइफ टाइम के लिए वीडियो सेशन आपको दिए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में ताकि अगर आपको भविष्य में कभी भी कोई चीज भूल जाओ कोई कमांड भूल जाओ कोई कंसेप्ट भूल जाओ तो तुरंत आप उन वीडियो सेशन को ओपन करके देख लो रिवाइज कर लो और दोबारा अपना काम शुरू करो तो ये भी आपको सुविधा इसमें अवेलेबल करवाई जाएगी ठीक है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं रहेगा इसके अंदर क्लियर कर लीजिए मेक इट क्लियर आपको इसके अंदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल आरसीसी स्ट्रक्चर्स को ही करवाया जाएगा कवर रेसिडेंशियल और कमर्शियल आरसीसी स्ट्रक्चर्स ठीक है सर मैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पास आउट हूँ टू ईयर लॉकडाउन में निकल गए चलिए कोई दिक्कत नहीं सबके लॉकडाउन में निकले हैं आप ही आपके क्या निकलेगे सबके निकले हैं वो तो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसको हमें मिटाई देना चाहिए लेकिन अब हमें मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आफ्टर इंटर्नशिप आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होगी क्योंकि आपके अंदर अब काबिलियत होगी देखो मार्केट में ना है काबिलियत की आज डिमांड है डिग्री की डिमांड नहीं है सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं है डिमांड है आपकी काबिलियत की जो काबिल लोग हैं वो आज काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वो भटक रहे हैं लेकिन पहले काबिलियत पे काम करो मैंने इससे पहले भी एक सेशन में चर्चा की थी इस बात के ऊपर कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना वीक है वो एम्प्लॉयबल नहीं ही नहीं है उनके अंदर लैक ऑफ स्किल्स है अभी आपको अगर कंप्यूटर प्रॉपरली चलाते नहीं आ रहा हैं तो आप क्या उम्मीद करोगे अपने आप से मैं आपको ये स्पेसिफिकली आपको नहीं रहा हूं मैं हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर कह रहा हूं बल्कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इंजीनियरिंग बंदा निकल जा रहा है कंप्लीट होकर निकल आ रहा है लेकिन उसको कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलाते नहीं आता है तो ये हालत है हमारे इंजीनियर्स की इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि आपके लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है आपके पास स्किल आ जाती है तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज मार्केट बहुत बड़ा हो गया है बहुत वाइड हो चुका है पहले तो हम

चलिए तो मुझे लगता है कि आपके मैंने आज इनफ़ सवालों के जवाब दे दिए हैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं अब कल हमारा सेशन होगा साढ़े नौ बजे और कल हम अगेन इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी हम एनालिसिस कल देखेंगे कल बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा कल बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने शायद इससे पहले सुनी नहीं होगी देखी नहीं होगी या पता नहीं होगा आपको कल वाले सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आप तो अटेंड कीजिएगा ही कीजिएगा लेकिन आपके साथ आपके दोस्तों के आपके दोस्तों को भी इसके शेयर कर दीजिएगा इसकी डिटेल्स इसकी जानकारी अपने कॉलिग्स वगैरह अपने ग्रुप्स में बता दीजिएगा अपने कॉलेजेस के अंदर शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ ताकि वो भी हमारे इंटर्नशिप बैच के अंदर जुड़े इसके अंदर देखे ये हो क्या होता कैसे है काम का बहुत जरूरी है आज कल दोबारा रात साढ़े नौ बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ इसी तरह से और मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलते हैं कल गुड नाइट शुभरात्रि टेक केयर और हाँ जाते जाते लाइक कर दीजिएगा मुझे याद दिलाना पड़ता है आपको प्लीज डू लाइक लाइक जरूर कीजिएगा जाते जाते